बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हिंदू भाई ये कहता है कि मैं अपने बेटे को बड़ा करके ये बनाऊंगा, अपनी बेटी को बड़ा करके ये बनाऊंगा। अच्छी बात है ना, लेकिन बनेगा तब जब बचेगा, बनने से पहले ही कट गया तो। अरे डरो मत, मजाक कर रहा हूं, बद्दुआ नहीं दे रहा हूं। एक छोटी सी क्लिप देखिए दोस्तों। कुछ हिंदू सोच रहे होंगे ये बच्चा बड़ा होने के बाद अच्छा बनेगा या बुरा, आतंकवादी बनेगा या मानवतावादी। देखिए, आज के समय पर सोचने का काम हिंदुओं का नहीं है, जो सोचता है वो हिंदू नहीं कहलाता है। सीधे सीधे कहूं तो आज के समय पर हिंदू में सोचना भी पाप है, तो ज्यादा दिमाग पर प्रेशर आपको नहीं डालना है। आपकी परेशानी का हल मेरे पास है, एक छोटी सी क्लिप और है जो आपको सोचने के बगैर ही समझा देगी। क्लिप देखिए दोस्तों। आज तो ही कश्मीर लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो अब मजलूम की बारी है। चीजन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है। देश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो। जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो। जंग करोगे कैसे जब तुम नारों से थर्राते हो। अरे फिर से सोचने लग गए। सोचने का काम हिंदुओं का बिल्कुल भी नहीं है, हिंदुओं का काम केवल कमाने का है। आप अपना कमाने का काम करते रहिए। सोचने का काम उन लोगों का है जिनकी पुस्तक में लिखा है हिंदू काफिर है। काफिर जहां मिल जाए गर्दन नाप दो, गला काट दो, मार दो, उसका सामान छीन लो और आपस में बांट लो। तो भैया आपको कुछ नहीं सोचना है, छीनने वाले अपने आप सोच लेंगे किसका छीनना है, क्यों छीनना है, कब छीनना है, कैसे छीनना है, वो सोचते रहेंगे छीनने वाले। आप सिर्फ कमाइए, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। हिंदू का काम सोचने का है ही नहीं। आप सबसे अच्छे प्राणी हैं इस संसार के, इतना मान करके इसी प्रकार से लुटते पिटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ एक काम बिना सोचे और करना है आपको, बिना सोचे यदि ये वीडियो मिल जाए तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।